उत्तराखंड को देव भूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ स्थित चार धामों से लोगों की बड़ी आस्था जुड़ी है। देहरादून भी पौराणिक स्थलों की भूमि मानी गई है। राजधानी देहरादून में वैसे तो कई पुराने मंदिर मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जो ब्रिटिश काल में साल 1930 का बना हुआ है और यहाँ भारी राज्यों के पर्यटक भी दर्शन करने आते हैं। हम बात कर रहे हैं देहरादून के राजपूत रोड स्थित हरिहर बाबा सिद्धपीठ मंदिर की। यहाँ नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से घंटा मंगवा कर लगाया गया था। इसका वजन 1.25 क्विंटल बताया जाता है। इस मंदिर में सीता माँ की रसोई भी मौजूद है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि साल 1923 में विवेक गुप्ता ने यह मंदिर बनवाया था। 100 साल पुराने इस मंदिर में भक्तों की अटूट आस्था है। यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस सिद्धपीठ मंदिर में देहरादून ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि यह मंदिर देहरादून के मुख्य स्थान पर यानी मुख्य राजपुर रोड पर स्थित है, इसलिए मसूरी और चार धाम यात्रा पर जाने वाले पर्यटक और श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। मंदिर में सीता माँ की रसोई भी है और सीता माँ की स्मृति भी बनाई गई है। पंडित आगे बताते हैं कि इस मंदिर की विशेषता यह है कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से घंटा मंगवा कर यहाँ स्थापित किया गया था, जिसका वजन 1.25 क्विंटल था। अगर आप भी राजधानी देहरादून के इस सिद्धपीठ मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो आप देहरादून के राजपुर रोड पर राजपुर की तरफ जाएं, जहां जाखन में यह मंदिर स्थित है। videodex.jeevanjali.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।